गोला थाना क्षेत्र के अतरौला गांव के पुलिया के पास से पुलिस ने गुरुवार को युवक का शव बरामद किया, जिसकी हत्या की गई थी। युवक के परिजनों की तहरी पर पुलिस ने गांव के ही चार नामजद युवकों समेत आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना के संबंध में बताते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा कि गोला बाजार थाना क्षेत्र स्थित ककरही निवासी राम सुमेर का बड़ा पुत्र संतोष 35 वर्षीय घर पर रहकर ट्रैक्टर चलाता था। बुधवार की शाम वह बाइक से गोला बाजार गया था। उसके साथ गांव के ही अनूप शुक्ल, संतोष उर्फ बेजू, दिलीप उर्फ भोलू और गोविंद तथा कुछ अन्य लोग भी गए थे। देर शाम तक संतोष घर नहीं लौटा। उसके परिवारजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। संतोष के परिवारजनों ने रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया, उसके साथ गए लोगों से पूछताछ की, किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। गुरुवार की सुबह अतरौला गांव के बाहर पुलिया के पास शव मिलने की सूचना पाकर संतोष के परिजन वहां पहुंचे। शव संतोष का ही था। शव देखकर उसके परिवारजन बिखरने लगे। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संतोष के परिवारजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, ये शुरू में अज्ञात के रूप में सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी थाना गोला के अंदर ककरही गांव है, वहां पर पुलिया के पास में मिली है। बाद में इसकी शिनाख्त हो गई है। ये ककरही गांव का ही रहने वाला मृतक है, जिसका नाम संतोष है, और इस घटना का जो है अनावरण किया गया है। चार लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए हैं और चारों लोग जो थे अभियुक्त और मृतक वो एक ही गांव के रहने वाले थे। कतिपय कारणों से इनके बीच में रंजिश हुई थी और जो इसके अंदर कल शाम को ये इसको बुला के लेके गए थे, क्योंकि एक दूसरे से पूर्व में परिचित थे और शाम को सबने साथ में बैठकर, जैसा कि अभी जानकारी हुई है, इन्होंने शराब पी है और उसके बाद फिर इस व्यक्ति की हत्या की गई है। घटना के अंदर जो दो नामजद अभियुक्त हैं गोलू और गोविंद, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी किया है। जो शेष दो लोग रह गए अनूप और गुड्डू, जो कि इसी गाँव के रहने वाले, अभी फरार हैं, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हत्या का कारण जो है अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था कि एक जो अभियुक्त पक्ष है उसके घर में किसी का जो संबंध है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो मृतक के साथ हुआ था। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसी चीज़ को लेकर हत्या की गई है।